हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। ये हमारा दूसरा दिन है आज। अभी मैं एक्चुअली ऐसे ही वॉक के लिए निकला था, एक और काम में। अभी वो नीचे जाके बताता हूँ। अभी तो 7 बज रहे हैं तो धूप तो इस टाइम आती नहीं है, पूरा फॉग हो रहा है। लेकिन सुबह सुबह वो नदियों की आवाज़ सुन के, चिड़ियों की आवाज़ सुन के बड़ा मज़ा सा आ रहा है। तो मैंने कहा थोड़ा आगे तो वॉक करके आता हूँ, रनिंग भी हो जाएगी मेरी। दीपक को मैंने फ़ोन किया था, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा अगर फ्री है तो आ जा, वॉक कर लेंगे साथ में। बट वो अभी अपना वो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने में लग गई है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तू कल से आ जाना, आज मैं अकेला ही वॉक करके आता हूँ। तो आके वैसे यहाँ पे जल्दी खुल जाती है, 6:30, 7:30। ये पहाड़ों में ही अच्छा होता है, 11 बजे तक नींद आने लग जाती है और 7 बजे तक अपने आप आँख खुल जाती है। तो चलो गाइस, मैं जाता हूँ, थोड़ा आगे तक वॉक और रनिंग करके आता हूँ। अच्छा, वॉक करते करते घर भी पहुंच गए। कल से जाएंगे ना पक्का? ठीक है, तैयार है ना? फिर कल से मुंह आनी चाहिए। जब मैं योगा और एक्सरसाइज कर रहा था, दीपा ने भी ज्वाइन किया मेरे को। कैसा लग रहा है? क्या कह रही, रोज ज्वाइन करूंगी? अच्छा लगा ना? एकदम बॉडी लाइट लाइट हो जाती है ना। इसको बोलता तो हूँ मैं कर करके, लेकिन ये आलस मर जाती है। नहीं एक्चुअली इसको सुबह टाइम ही नहीं मिलता। सुबह दिन के बज रहे 10 और धूप आ गई है बाहर। तो मैंने ठीक गैस किया था कल कि अराउंड 10 से 10:30, 10 से 11 बजे के बीच में धूप आती है यहाँ पे। और एकदम ही धूप आती है सुबह, एकदम कोहरा होगा और एकदम से निकलती तेज धूप और एकदम साफ। और आसमान देखो, अभी धीरे धीरे पूरा साफ हो जाएगा 1 घंटे के अंदर 11 बजे तक। मस्त धूप आ गई ना, एकदम से निकली। सही है, वैसे मजा आ जाता है धूप देख के। हमें तो वाली फीलिंग आ जाती है, वो जादू। सेम, इतना कुछ तो जादू भी नहीं होता होगा जितने कुछ हम लोग होते हैं यहाँ पे। लेकिन यार जब धूप आती है ना, तब ये वैली इतनी ब्यूटीफुल लगती है ना देखने में। चाहिए सब्जी वगैरह भी दिए क्या? पालक नहीं, फिर लाई। अच्छा लाई, ये सही रहता है। यहाँ पे गाँव में आते हैं ना, कोई ना कोई कुछ देता रहता है। हरी सब्जियों की तो कमी नहीं होती, मतलब जितनी हरी सब्जी खा सकते हो खाओ। क्या कहते क्या भी रहते ना पहाड़ों में, क्या है हरी सब्जियाँ तो वही, केमिकल वगैरह तो कुछ होता नहीं है, एकदम ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियाँ उगाई जाती हैं। क्योंकि बेचना तो होता ही नहीं ना यहाँ पे, जो उगाते हैं वो अपने लिए उगाते हैं। खाते भी नहीं है। खाते भी, हाँ यहाँ पे हरी सब्जियाँ कम खाते हैं ना। अच्छा, गाय को दे देते हैं। अरे पता, खाते तो होंगे लेकिन इतनी ज़्यादा उग जाती है ना कि कितना खाएगा बंदा, तो पक भी जाते होंगे थोड़ा बहुत, तो गाय को दे दिया। अब जितनी खाई खाई, नहीं तो फिर गाय को दे दी। पॉल्यूशन नहीं है ना, पानी इतना साफ है। ये रिंग खा रही थी, ये रिंग एकदम डार्क हो गई थी। हाँ, मेरा भी सेम ही होता है। ये जो मैं कॉपर बोलते हैं तांबे को, कॉपर की रिंग पहनता हूँ इसमें, दिल्ली रहता हूँ ना, इसका कलर डार्क हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आके एकदम वाइट। और ये वाइट मतलब साफ, जब पायल भी साफ हो गई। तो हम कुछ नहीं करते भाई, वहाँ से लिया भरा, कोई फिल्टर उल्टा यूज नहीं किया। तांबे का ये है, गागर बोलते हैं ना इसको, गगरी, इसमें भरते हैं और इसी से पीते हैं। तुम्हारी मैक्रोनी, तुम्हारी चाउमीन और मैक्रोनी के लिए यहीं से मिल जाएगी। टोपी डालो भाई, ये आजकल की बहू है, टोपी नहीं डालती। ऑलराइट गाइस, सो हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पास में एक मंदिर है माइथान, जो आरे गांव का मंदिर है, वहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है। मतलब ऐसी आसपास की कुछ एसोसिएशन ने वहाँ पे कंपटीशन करवाया होगा बच्चों के बीच में, तो काफी सारी टीमें खेल रही है, काफी दिनों से मैच चल रहा है। वो पीछे 2 दिन में बंद था, आज पता नहीं फाइनल है या सेमीफाइनल है, बट आज कुछ है। सुबह लाउड स्पीकर वगैरह में भी आवाज आ रही थी, तो काफी गाँव वाले जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए। तो हमने सोचा कि चलो देख के जाते हैं कैसा होता है, पहाड़ों में कैसे क्रिकेट खेला जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट जमीन तो बहुत कम जगह मिलती है। और वो वैसे मंदिर तो हम लोग गए करो, लास्ट टाइम करवा चौथ में गए थे, बट उसके यहाँ पे देखा नहीं हम लोगों ने कि ऐसी फ्लैट जगह कौन सी थी जहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा था इतना। तो गाइस आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है, पहले चलते हैं मैच देखने। चलो बैठो। वो चाबी लाए गाड़ी की? चाबी अब वहीं छोड़ा है। अरे यार, चला बैग में ही रखनी पड़ेगी चाबी। मैं जाता हूँ, यहीं से जाओ। तो ये रही गाड़ी की चाबी जो मैं भूल गया था, सर बहुत ऊपर आके चढ़ना पड़ा इसलिए। वो देखो वो खड़ी थी, फोन पे लगी हुई है। अब वैसे आगे से भी तो है रास्ता, लेकिन इतना लंबा कौन घूम के जाएगा, अभी सामान भी नहीं है, तो यहीं से शॉर्टकट चलता हूँ। ये थोड़ा मुश्किल रास्ता है। बिल्कुल जगह नहीं पहुँचनी। एक सेकेंड,
यार रास्ता कहाँ सा नाली वाला, मैं शायद कहीं गलत उतर गया। इस साइड मैं गलत उतर गया यार, उधर से आना चाहिए था मेरे को। हाँ खेत ना ख़राब हो जाएंगे इसी यार, कोने कोने से जाता हूँ, बस ज़्यादा ख़राब नहीं किया मैंने। अच्छा ये वाला रास्ता था, मेरे को साला वहाँ से यहाँ आना चाहिए था। आज तो सही ट्रेनिंग हो गई मेरी। मैंने तो एक रील बना दी। रील बना दी? शाबाश बेटे। ये देख के कुछ याद आया। हाँ। बताओ कौन सा गाना याद आया होगा, बताओ। सरसों खेत DDLJ का, उसमें सरसों के खेत कहाँ है मैं बताओ। धरती सुनहरी अंबर नीला। नमस्ते ताऊ जी। कब आए तो? परसों ताई जी मिले तो थे, जा परसों बता दे। हां आए थे। हां पता नहीं आ रहा। अच्छा मैं पहचान ली पीछे से, फिर पुल पे थे ना, मैंने कहा थोड़ा आगे गाड़ी लगा दो। यहां की गाड़ी देखा मैंने, नॉट रोशन में क्या। ये आरे का माइथान जो गोदरा गांव का मंदिर, तो यहां से ये रास्ता ऊपर जाता है, पीछे हमारे गांव की तरफ से भी है। ये देखो स्पीकर की आवाज भी आ रही ना, ये उधर ही मैच चल रहा है, तो लग तो रहा है काफी लोग आ रखे हैं, बच्चे बच्चे तो बहुत दिख रहे हैं। पूरे इधर रास्ता कैसे घूम घूम के घूम घूम गए। आ जाओ रे पहाड़ी, पहाड़ी क्या बोलते हैं लोग को, क्या बोलते हैं पहाड़ी में, पहाड़ी नानतिन हो रहे हैं हम, नानतिन तो बच्चे हो गए। आ जाओ, मेरे को पहाड़ी बोलनी आती है। आ जाओ। सो गाइस पहुंच गए हम लोग मंदिर, ये मंदिर का मेन गेट। अभी स्टार्ट नहीं हो लग रहा मेरे को, टीम आ गई। अच्छा अच्छा अभी तो बैठे हुए हैं। ये हमारे गाँव का मंदिर, तो एक बार भी यहाँ पे भी माथा टेक लेते हैं। अभी जस्ट मैं देख के आया हूँ, तो मैच तो स्टार्ट हुआ नहीं है। हाँ टीम आ गई है, तो ये शॉट मारेगा नीचे लेगी लगे। ये बात है भाई, खेलने का जज्बा होना चाहिए पहाड़ के ऊपर। ये फेंसिंग हो गई, फेंसिंग पता ऊंची कर देनी चाहिए, कितनी ऊंची रहेंगे अगर, ये तो चला जाएगा शॉट आराम से। फिर नीचे कैसे जाते होंगे लेने के लिए, कौन जाता होगा? यहाँ तो वो भी नहीं जाता जिसने शॉट मारा वही लेके आएगा। नीचे तो बहुत जाती होगी, मेन रोड पहुँच जाती होगी बोल तो। मेरे ख्याल से काफ़ी सारे तो ये टीम के प्लेयर ही लग रहे हैं गाइस। यहाँ पे ऊपर देखो बैठे हुए बंदे वगैरह। ये है पिच, ये मैट बिछी हुई है, कह रहे टीम तो आ गई है भाई। ये गाँव के एक तो आ रही टीम है भाई। मैच कब कितने बजे स्टार्ट होगा? एक बजे से, तो सारे मैच यही हुए इधर। तू तो बाहर नहीं आती बॉल, जाती है। फिर कौन लेके आता? आउट, मतलब इससे बाहर की डायरेक्ट आउट। और ऊपर अच्छा, तो अभी 12:30 बजे हैं, करीबन 1 बजे यानी आधे घंटे बाद मैच स्टार्ट होगा। ये अच्छा बड़ा सही रूल लगा, ये तो अपना जो बचपन में खेलते थे अभी भी खेलते ही हैं। जैसे कोई दीवार कूद के डायरेक्ट बॉल गई तो आउट है। सो हम लोग अभी नीचे आ गए, बाजार में कुछ काम था हमें। क्या आगे पीछे रहना बगल में, चलो शीशा दो के ले जाते हैं, हर प्रकार के शीशे। सो गाइस हम लोगों ने लिया था एक शीशा, अभी वो शीशा कहाँ काम आएगा ना, घर पे जाके दिखाएंगे। गाइस आज तो हालत खराब हो गई ऊपर सामान लाने में। एक तो हम लोगों ने एक अलमीरा ली थी, एक्चुअली अलमीरा पहले आ चुकी थी हमारे यहाँ पे, जो यहाँ पे खड़ी थी वो एक्सचेंज कराने थी, क्योंकि काफ़ी छोटी अलमीरा आ गई थी, वो एक्सचेंज कर हम लोग ये वाली लेके आए। एक मैंने कंप्यूटर टेबल भी ले ली है, तो इसको थोड़ा ऊपर ले जाने में, हालांकि लेबर थी साथ में, पसीने छू गए, मैं तो जैकेट उतार दी थी, पसीने आ गए थे मेरे को। शिम्बा शिम्बा, डर रहा है, डर रहा, अलो अलो, आजा 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 शिम्बा, ओ शिम्बा, डर रहा है। शाबाश, तू लगा दे ऐसा, तू लगा दे ऐसा। तो सोच रहे थे इस अलमीरा को, ये जो है ना ऊपर की तरफ ये स्लैब से इसकी यहाँ पे फिट आ जाएगी, नीचे की तरफ कॉर्नर में रहेगी, बट ये स्लैब की हाइट ही थोड़ी नीचे हो गई और ये 6.5 फीट की है। और एक कंप्यूटर टेबल खरीद के लाके आए थे। अच्छा हाँ, ये भी एक और चीज़ है, ये एक्चुअली शीशा है, काइंड ऑफ ड्रेसिंग टेबल में लगा जो तो शीशा होता है, जो वॉल शीशा होता है यार वगैरह होने के लिए वाला है, तो ये तो दीपा का ही है, और इसको कहीं हम इस वॉल में फिट करेंगे। अभी तो फिलहाल हमारे पास कुछ है नहीं ऐसा ना ड्रिल वगैरह करने के लिए, तो अभी ऐसा कुछ हम लोगों ने सेटअप कर दिया। चेयर है, अब वहाँ पे कंप्यूटर टेबल लगा जहाँ पे मैं अपना परफॉर्म करता हूँ, तो ऐसा कुछ सेटअप बन चुका है। ये है कि बस मैं आराम से बैठ के अपना परफॉर्म का जो काम है वो कर सकता हूँ बिना कोई प्रॉब्लम के। नीचे बैठ के थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, थोड़ी देर बाद सुन पड़ जाते थे। यही था आज का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो जरूर लाइक
करते हैं, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन आल्सो। सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना अगर आपको ये माउंटेन लाइफस्टाइल माउंटेन ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।